students, how are you? I hope all you are fine and safe. Today we are going to learn Maths Class 5, Chapter Number 9, Boxes and Sketches. Here it is the lesson. Children, it is very interesting lesson क्योंकि इसमें आप जैसे ओरिगामी से अलग अलग शेप्स फोल्ड करके बना सकते हो, पेपर फोल्ड करके बना सकते हो, ऐसा ही हमें इसमें पेपर को कैसे फोल्ड करके उसमें से डिफरेंट शेप्स बनाए जाते हैं वो हमें देखना है। और इसकी जो पैटर्न है जो फ्लैट पेपर पे बनती है इसे नेट कहते हैं। ओके, सो ये हम जैसे हम लेसन पढ़ेंगे वो सारा सीखते जाएंगे। गुड चिल्ड्रन, लेट अस स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज स्वीट बॉक्स। रम्या वेंट टू बाय स्वीट्स। द शॉपकीपर took a cut out and quickly made a lovely pink box for the sweets. Look at the photo and make your own box. Use the cut out on page 201. अब आपकी टेक्स्टबुक में 201 लास्ट पेज जो है ना उस पर एक कट आउट दिया है, उसमें कुछ लाइन्स भी दी है, तो लाइन के अकॉर्डिंगली जब आप फोल्ड करोगे तो आपको एक सुंदर सा बॉक्स बन के आपके पास तैयार होगा। ओके, तो रम्या ने क्या किया, उसने इस बॉक्स को ऐसे कुछ खोल दिया और उसमें उसे जब खोला तो कुछ डिफरेंट पैटर्न दिखी, लेकिन उसे फिर से जब अनफोल्ड करेंगे, फिर से फोल्ड करेंगे तो एक सुंदर सा बॉक्स बन जाएगा। सो हियर इट इज़, सम ऑफ द पैटर्न्स आर गिवन। शी मेड फोर मोर शेप्स, ईच इज़ टू बी फोल्डेड अलोंग द डॉटेड लाइन्स। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डॉटेड लाइन दी गई है, तो जो डॉटेड लाइन है वहाँ से आपको इस पेपर को फोल्ड करना है। ओके, तो और देखना है कि किससे बॉक्स बनता है या नहीं। अब इस अगर चारों शेप को देखें तो इसे हम कह सकते हैं कि शेप ए और शेप सी, ऐसे दोनों शेप है जिससे बॉक्स बन सकता है। चिल्ड्रन, आपके पास भी बहुत सारे बॉक्सेस होंगे, जैसे कि पेस्ट्री का बॉक्स है, जैसे कि सोप का बॉक्स है, जैसे कि पेंसिल बॉक्स है या कलर का बॉक्स है, तो उसे जब आप खोलोगे तो आपको वेरियस डिज़ाइंस इसमें दिखेंगे। अलग अलग शेप के बॉक्सेस जो है वो उसमें से बन सकते हैं, जिसमें रेक्टेंगल हो सकता है, मतलब क्यूबॉइड होता है, क्यूब होता है, पिरामिड शेप होता है, राउंड शेप, तो ऐसे ऐसे शेप आप बना सकते हो। ओके, लेट अस कंटिन्यू। शेप दैट फोल्ड इनटू अ क्यूब। अब क्यूब बनाने के लिए कौन सा शेप होना चाहिए। बुद्धा वॉन्ट्स टू मेक अ पेपर क्यूब यूजिंग अ स्क्वायर्ड शीट। ही नोज दैट ऑल द फेसेस ऑफ ए क्यूब आर स्क्वायर्स। तो क्यूब जो है ना वो उसके सारे फेसेस, क्यूब हैं 6 फेसेस है ना, तो ऑल फेसेस आर स्क्वायर। तो इसे जो दो पैटर्न्स दिखाई गए हैं उसमें से कौन सी पैटर्न है जिसमें से क्यूब बनेगा। अगर हम इसे ठीक से देखें तो कुछ क्वेश्चन हमें दिखा दिए हैं, तो उसे भी हम पहले सॉल्व करें उसके बाद सोचें। विच विद वो बोथ द विल बोथ द दीज शेप्स फोल्ड इनटू अ क्यूब। अब दोनों शेप को अगर देखें तो यस, दोनों जो शेप हमें दिए हैं उसे अगर हम पेपर में कट करके उसे जो क्रीज दी है अकॉर्डिंगली हम फोल्ड करें तो उससे हम क्यूब बना सकते हैं। ठीक है, नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज गिवन, ड्रो एट लीस्ट वन मोर शेप विच कैन फोल्ड इनटू अ क्यूब। तो यहाँ पे मैंने एक आपको क्यूब यहाँ पे साइड में दिखाया है कि ऐसा अगर आप क्यूब बनाओ तो उससे भी क्यूब बन सकता है, लेकिन मतलब क्यूब बनाने के लिए कोई एक ही पैटर्न ज़रूरी नहीं है, उसी पेज को डिफरेंट टाइप से फोल्ड करके भी आप क्यूब बना सकते हो। नेक्स्ट इज वॉट विल बी द एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ द क्यूब। अब क्यूब जो है ना, अब हमें पता है कि सारे फेसेस जो है वो स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। तो हर एक फेस की जो लेंथ दी है उसके अकॉर्डिंगली उसका जो एरिया है होगा। मानो 2 सेंटीमीटर है तो 2 by 2 दैट इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, या 4 स्क्वायर सेंटीमीटर ऐसे इसका एरिया होगा, दैट यू हैव लर्नड इन प्रीवियस चैप्टर्स। ओके चिल्ड्रन, नाउ ड्रो वन शेप विच विल नॉट फोल्ड इनटू अ क्यूब। सो हियर वन एग्जांपल आई हैव गिवन यू,
you can make some other designs also from which we cannot make a cube. Now look around and discuss which things around you look like a cube. तो आप अपने आसपास में देखो कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो क्यूब जैसे दिखते हैं. सो हियर इट इज़ सम ऑफ द एग्जांपल्स आर गिवन. फॉर एग्जांपल डाइस, जो आप खेलने के लिए स्नैक्स एंड लैडर्स या ऐसा कुछ खेलने के लिए आप यूज़ करते हो. देन रूबिक क्यूब, 3x3 का, 4x4 का जो कलरफुल क्यूब आता है, दैट इज़ ऑल्सो अ क्यूब. देन आइस क्यूब, शुगर क्यूब्स, सो एक्सेट्रा आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ क्यूब. तो आप इसमें आप अपनी तरफ से कोई और एग्जांपल्स भी ऐड कर सकते हो. ओके चिल्ड्रन, क्लियर? मज़ा आ रहा है ना? ओके, नाउ वन मोर थिंग इज गिवन, शेप्स फॉर एन ओपन बॉक्स. अब ओपन बॉक्स बनाने के लिए कौन से शेप का यूज़ करें? सो सॉरी, हियर इट इज़ गिवन, रिमेंबर द पजल विथ 5 स्क्वायर्स इन चैप्टर 3. अब यहाँ पे आपको इस पेज पे, पेज नंबर 46 पे ऐसा एक ड्राइंग आपको दिया है. ओके, और इसमें डिफरेंट शेप्स है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस वन शेप, देन 2, ये 3, 4, 5 एंड सो ऑन. सो सम 12, अराउंड 12 शेप्स आर गिवन. और इस 12 शेप्स में से कौन कौन से शेप ऐसे हैं जिससे आप क्यूब बना सकते हो, सो दैट वी कैन सी. नाउ हियर वन गर्ल इज गिव सेइंग दैट आई कैन मेक ओपन बॉक्सेस विद बोथ दिस. मतलब ओपन बॉक्स बनाने के लिए क्या, कौन से शेप का होना ज़रूरी है? ऐसे शेप से आप ओपन बॉक्स बना सकते. ओपन बॉक्स मीन ऊपर से जो खुला है और उसके चारों साइड और बॉटम जो है वो पैक है. तो दिस काइंड ऑफ शेप ऑल्सो कैन मेक एन ओपन बॉक्स. ऑल्सो फ्रॉम दिस काइंड ऑफ शेप वी कैन मेक एन ओपन बॉक्स. लेकिन ऐसे अगर शेप्स हैं तो उससे हम बना सकते नहीं. तो चिल्ड्रन आप भी अपनी तरफ से डिफरेंट डिफरेंट शेप बना के, खास करके मैं चिल्ड्रन आप क्या करो कि ड्राइंग शीट है या चार्ट पेपर है तो उसमें ऐसे पहले डिज़ाइन बना लो और उसमें फोल्ड करके ट्राई करो कि इसमें से बॉक्स बनता है या नहीं. सो यू विल बेटर अंडरस्टैंड दिस पैटर्न. ओके, लेट अस कंटिन्यू. नाउ बॉक्सेस एंड बॉक्सेस, सो हियर इट इज, सम ऑफ द डिज़ाइंस आर गिवन. ऑल बॉक्सेस आर नॉट क्यूब्स. हियर आर सम डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉक्सेस. मैच द शेप ऑन द लेफ्ट with a box into which it will fold. So here it is some solid objects, means folded boxes are given. तो boxes जो है, जैसे हमें बताया कि सारे cube होना हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. तो ऐसे pyramid shape के होते हैं, A shape के होते हैं, cone shape के हैं, ये है cylinder shape के. So different kind of shapes are there, but इन में से कौन सा shape किसके साथ connect होगा, मतलब इससे इस नेट को अगर हम फोल्ड करें तो इसमें से कौन सा शेप बनेगा. फाइन, सो हियर इट इज गिवन, सी दिस काइंड ऑफ बॉक्स. ये थोड़ा ट्राइंगल है और ये है रेक्टेंगल, तो ऐसा एक हमें डिज़ाइन मिलेगा. ये आपके पेंसिल बॉक्स, डोम का पेंसिल बॉक्स है ना, उसमें ऐसा डिज़ाइन होता है, ऐसा बॉक्स आता है. चिल्ड्रन अगर आप के पास है तो आप खोल के देख सकते हो, उसे अनफोल्ड करके देख सकते हो. ये है कौन शेप, तो ये इससे बनेगा. ये है पिरामिड जैसा शेप, तो ये प्रिज्म शेप, तो यहाँ बनेगा. और ये है सिलेंडर शेप, तो रेक्टेंगल से बनेगा. सो दिस वे डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेप कैन मेक. ओके, नाउ दिस वन इज गिवन फ्लोर मैप्स. अब फ्लोर मैप किसे कहेंगे चिल्ड्रन? आपके घर में आपको अगर कहें कि आपका घर जो है ना उसका आप नक्शा बनाओ, तो आप बना सकते हो कि कहाँ पे हॉल है, कहाँ पे किचन है, कहाँ पे बेडरूम है, कहाँ पे बालकनी है. तो इसे जब हम इस तरह से बनाएं तो इसे फ्लोर मैप्स कहेंगे. ओके, और वो आपने कभी कहीं देखा भी होगा, खास करके न्यूज़पेपर में कहीं आता है तो उसमें भी आपने देखा होगा. सो हियर व्हाट वी हैव टू डू इज, हियर इज अ फ्लोर मैप ऑफ विभास हाउस. इट शोज वेयर द विंडोज एंड द डोर्स आर इन द हाउस. तो फ्लोर मैप जनरली क्या होता है कि जिसमें डोर, विंडो और रूम, इन सब की पोजीशन जो है वो
दिखाई देती है, 2D शेप में होता है. ओके फाइन. नाउ हियर इट इज ए बी सी एंड डी, 4 हाउसेस आर गिवन. विच इज द फ्रंट साइड ऑफ आर हाउस, फ्रंट साइड कहाँ पे होगा, जहाँ पे डोर होगा वहीं पे फ्रंट साइड होगा, है ना. तो यहाँ पे आप देखो तो ये फ्रंट साइड कौन सा हुआ, ये, और ये है बैक साइड, और ये दोनों हैं दोनों साइड्स. अब कुछ और हमें दिखाया है, फ्रॉम द फ्लोर मैप वी कैन नॉट मेक आउट वॉट हर हाउस रियली लुक्स लाइक और हाउ हाई द विंडोज आर. तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं पता चलता क्योंकि वो फ्लैट होता है, मतलब 2D शेप में होता है, तो उसकी हाइट और डेप्थ का इसे हमें पता चलता नहीं फ्लोर मैप से. लेकिन अगर इसी को हम अगर 3D शेप में बनाएं तो उसे हाइट का, डेप्थ का, विड्थ का, वो सारा पता चलता है. सो वी लुक फॉर अ स्पेशल वे ऑफ ड्रॉइंग द हाउस विच इज डीप टू शो द लेंथ विड्थ एंड हाइट. तीनों जो मेजरमेंट इसमें दिखाई देते हैं, तीनों डायमेंशन जिसमें दिखाई देते हैं, दैट इज कॉल्ड डीप ड्राइंग्स. डीप ड्राइंग्स 2D मतलब लेंथ और ब्रेथ जिसमें है वो, 3D या डीप ड्राइंग दैट मीन्स लेंथ विड्थ और हाइट, तीनों फैक्टर्स जिसमें हो, तीनों डायमेंशन जिसमें हो, दैट इज कॉल्ड डीप ड्राइंग. तो इससे हमें हाइट और हाइट का भी साथ साथ में पता चलता है. ओके नाउ विच वन इज विभास हाउस. अगर आप फ्लोर मैप के साथ इस चारों को कंपेयर करें तो हमें क्लियर ही पता चलेगा कि हाउस सी इज बेस्ट सूटेड टू द फ्लोर मैप. तो हाउस सी है वो विभा का हाउस होना चाहिए. ओके नाउ हियर इट इज, वन प्रैक्टिस टाइम इज गिवन. इसमें आपको वन फ्लोर मैप इज गिवन ऐसा, और वन डीप ड्राइंग इज गिवन, बट विंडोज डोर इन सब की पोजीशन इसमें दिखाई है नहीं. तो आपको इसमें मैप को फॉलो करते हुए इसमें आपको ड्राइंग करना है. कैसे ड्राइंग करोगे, ऐसे हमारा हाउस जो है वो कुछ ऐसा बनेगा कि फ्लोर के हिसाब, जो फ्लोर मैप है उसके हिसाब से दोनों तरफ ये विंडो होगा, लेकिन यहाँ पे एक विंडो दिखाई देगा नहीं, इस तरफ का विंडो जो है वो इस यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे एक विंडो आएगा, यहाँ पे दूसरा विंडो आएगा, और ये डोर है वो यहाँ पे आएगा, और ये साइड का विंडो यहाँ पे पीछे चला जाएगा तो हमें दिखाई देगा नहीं. तो कुछ इस तरह से हमारा जो डीप ड्राइंग है वो बनेगा. फाइन अब क्यूब कैसे ड्रॉ किया जाए, वे तो बहुत ही इजी है चिल्ड्रन, आप लोग ड्रॉ करते ही होंगे. सो वन क्यूब इज गिवन, और इसमें आपको A to G आपको कुछ डिफरेंट ऑप्शंस दिए हैं, तो उसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि इससे क्यूब के साथ मैच करता हुआ कौन सा है. तो क्लियरली आप शेप से पता चलता है कि D, E, G ये सारे जो है वो क्यूब जो है उससे दिखाई दे, वैसे ही सेम पैटर्न दिखाई देती है, दैट मीन्स इट लुक्स लाइक क्यूब. नाउ कैन यू एड सम लाइन्स टू मेक ड्रॉइंग F into a deep drawing of a cube. तो इसे क्या करना है कि ऐसे आप 3 लाइन बना लो, उसके बाद ये ऐसे ये 2 लाइन्स बना लो, सो ये बन गया क्यूब. तो ऐसे हम किसी भी क्यूब को बना सकते हैं. ओके चिल्ड्रन, ये है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग और वेरी ईजी. नाउ वन डाइस इज गिवन. डाइस तो आप खेल में हमेशा यूज करते ही होंगे. सो द पजल इज गिवन, दिस कट आउट इज फोल्डेड टू मेक अ क्यूब. अब आपको मैं आपको एक टास्क देती हूँ कि आप ड्राइंग शीट में आप ऐसे कुछ ड्राइंग करें, ऐसे स्क्वेयर्स बनाएं, उसमें आप इसमें जैसे दिए हैं वैसे डॉट्स बनाएं, और इसे बाद में ऐसे इस लाइन से ये सारी लाइन जो हैं वहाँ से फोल्ड करके एक डाइस बनाएं, और चेक करें कि इन दोनों इन सब में से कौन सा डाइस जो है वो करेक्ट है. ओके अभी मैं आपको आंसर बता रही हूँ, ए और ई जो है ना वो करेक्ट है, और ये सारे जो है वो थोड़े रॉन्ग है. फाइन तो ऐसा आप अपनी तरफ से बना सकते हो और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो. ओके या आपके पास डाइस है तो उससे भी आप इसके साथ कंपेयर कर सकते हो.
नाउ सिंपल वे टू ड्रॉ अ क्यूब, कैसे ड्रॉ करेंगे सिंपल क्यूब, ये तो बहुत ही ईजी है, आप लोगों को पता ही है। ए दो स्क्वायर एक के पीछे एक बना लो और उसके साथ चार लाइंस ऐसे कनेक्ट कर लो, है ना। एक स्क्वायर फिर दूसरा स्क्वायर और चार लाइन जो है वो कनेक्ट कर लो, ये बन गया क्यूब। फाइन ओके, ये आप अपनी तरफ से बना सकते हो। नाउ मैच बॉक्स प्ले, यहाँ पे मैच बॉक्स से एक ब्रिज बनाया है। नवीन भास्कर एंड प्रतिज्ञा मेड दिस ब्रिज यूजिंग मैच बॉक्सेस, ऐसा एक ब्रिज बनाया है। अब इस ब्रिज को ये तीनों अलग अलग एंगल से देख रहे हैं, एक को अलग दिख रहा है, दूसरे को अलग दिख रहा है और तीसरे को इसका जो शेप है वो अलग दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, लेट अस सी। हियर इट इज गिवन वेयर नवीन एंड प्रतिज्ञा मेड ड्रॉइंग ऑफ दिस ब्रिज, दे मेड दिस ड्रॉइंग। ओके, द ब्रिज लुक लाइक दिस टू मी फ्रॉम वेयर आई एम स्टैंडिंग। सो वन बॉय हैज मेड दिस ब्रिज, बट जहाँ पे वो खड़ा है उसे वो ब्रिज कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है सामने से। ओके, बट द गर्ल इज स्टैंडिंग इन द साइड, सो द ब्रिज लुक लाइक दिस टू मी, माई ड्रॉइंग शोज हाउ हाई अवर ब्रिज इज एंड हाउ वाइड इट इज। मतलब ये इसकी विड्थ और इसकी हाइट दोनों इस गर्ल को दिखाई दे रहा है, मतलब उसके लिए ब्रिज जो है वो इतना ही पोर्शन दिख रहा है साइड में से। सो चिल्ड्रन, हर एक चीज़ जो है हम जहाँ से देखते हैं अकॉर्डिंगली उसका शेप हमें पता चलता है। नाउ इफ यू लुक एट द ब्रिज फ्रॉम द टॉप हाउ इट विल लुक, चूज द राइट ड्रॉइंग बिलो। अब ये ब्रिज देखो, इसे ऊपर से अगर हम देखें तो कुछ इस तरह का है ना, तो होना कौन सा चाहिए, ऑब्वियसली ये होना चाहिए हमारा आंसर, और ये जो है वो साइड का व्यू है और ये है टॉप व्यू। फाइन, साइड और सॉरी इसे हम कहेंगे फ्रंट व्यू। ओके, तो ऐसे हम किसी भी शेप को चेक कर सकते हैं। लुक एट द फोटो एंड ट्राई टू मेक अ डीप ड्राइंग ऑफ दिस ब्रिज। अब ये तो आपके लिए बहुत ही ईजी होगा किसी भी ब्रिज को बनाना, आप चाहो तो डीप ड्राइंग जो है वो ये ड्राइंग का यूज़ कर सकते हो, इस तरह से आप उसका डीप ड्राइंग बना सकते हो। फाइन, यू विल मेक दिस। नाउ वन प्रैक्टिस टाइम इज गिवन, मेक द ड्राइंग्स टू शो हाउ दिस ब्रिज विल लुक फ्रॉम टॉप, फ्रॉम फ्रंट, फ्रॉम द साइड। अब फ्रॉम टॉप मतलब ये ऊपर का, तो आप ऐसे ऊपर का हो गया, फ्रॉम फ्रंट, फ्रंट तो जो है ये जो दिख रहा है वो फ्रंट पोजिशन है, आप ये दोनों बन गया, उसके बीच में एक लाइन है, फिर एक कुछ ऐसा फ्रंट पोजिशन बन गया, और फ्रॉम साइड, साइड में एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे, तो ये बन गया उसकी साइड की पोजिशन। तो ऐसे आप अपनी नोटबुक में बना लेना, ठीक है चिल्ड्रन। नाउ मेक अ मैच बॉक्स मॉडल विच लुक्स लाइक दिस। अब ऐसा ही कुछ हमें मॉडल बनाना है, टॉप से ऐसा दिखना चाहिए, फ्रंट से ऐसा दिखना चाहिए और साइड से ऐसा दिखना चाहिए, तो ऐसा मॉडल आप बना लोगे। नाउ ऑल्सो मेक अ डीप ड्राइंग ऑफ द मॉडल इन योर नोटबुक। इस तीनों का यूज़ करके जो मॉडल बना वो आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हो। नाउ वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट, चिल्ड्रन इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊँ कि जब भी हम कोई सॉलिड शेप का यूज़ करते हैं जिसमें क्यूब्स होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि चारों ओर जो दिखते हैं उतने ही क्यूब हैं, लेकिन उतने ही क्यूब अंदर भी फिलअप होते हैं। ये आप लोगों ने देखा होगा कि जो रूबिक क्यूब आप यूज़ करते हो आप खेलने के लिए, है ना, तो उसमें भी 3x3 का है, तो हर एक लाइन में 3x3 के क्यूब्स होंगे, दैट मीन्स 3x3 दैट इज 9 क्यूब, फिर उसकी ऊपर की लाइन है अगेन उसमें 9 क्यूब, उसके ऊपर की लाइन है उसमें अगेन 9 क्यूब, तो ऐसे ही बाहर भी जितने क्यूब हैं उस वैसे ही अंदर भी क्यूब्स हैं, तो अंदर के क्यूब जो आपको नहीं दिखाई देते उसकी भी आपको कैलकुलेशन करना है। फॉर एग्जाम्पल ये बॉटम का मैं आपको एक बताऊँ, तो बॉटम जो है वो 5x5 का है ना, 5x5, तो ऐसा नहीं है कि 5+5 10, इतना ही नहीं है, वो 25 है। क्यों, बिकॉज यहाँ पे पीछे की लाइन भी है
और ये भी लाइन भी है, तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना है. ओके नाउ सॉरी, हाउ मेनी क्यूब्स आर नीडेड टू मेक दिस इंटरेस्टिंग मॉडल. अब इंटरेस्टिंग मॉडल ये जो आपको बताया गया है उसे बनाने के लिए 95 क्यूब्स की ज़रूरत पड़ेगी. कैसे, हर एक लाइन में आप कैलकुलेट करते जाओ, फर्स्ट में 25 की ज़रूरत पड़ेगी है ना, फिर उसके ऊपर जो है 25 में से एक आप कट कर दो 24 की ज़रूरत पड़ेगी एंड सो ऑन. तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो और लास्ट हमें आंसर मिलेगा 95. नाउ हियर आर सम ड्राइंग्स ऑफ द मॉडल. मार्क द करेक्ट टॉप व्यू ड्राइंग विथ टी. अब ऐसा ही अगर हम क्यूब बनाए तो उसका टॉप व्यू कैसा होगा, ऐसा. तो ये बन गया हमारा टॉप व्यू. एंड द करेक्ट साइड व्यू ड्राइंग विथ एस. तो साइड में से अगर देखें तो कुछ ऐसा दिखेगा. ओके तो ये हमारा बन गया साइड व्यू. सो चिल्ड्रन, दिस वॉज द लास्ट पॉइंट. खास आप ये ध्यान रखो कि जब भी ऐसा क्यूब आपको दिया है और इसमें कितने क्यूब चाहे उसका कैलकुलेशन करना है, तो जो पीछे वाले क्यूब्स हैं उससे कैलकुलेट करना भूलना नहीं है. ओके इतना आपको याद रखना है, सो यू विल गेट द करेक्ट आंसर. फाइन चिल्ड्रन, ओके. वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज चिल्ड्रन, डोंट फॉरगेट टू वेयर मास्क व्हेन यू गो आउटसाइड ऑफ योर होम. स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड. God bless you, children. Bye-bye. Thank you.